ग्राम बिलसड़ा में दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले और दोनों पक्षों से लोग घायल हुए। पूरा मामला थाना बेवर के ग्राम बिलसड़ा का है। यहाँ पर बताया जाता है कि प्रधानी के चुनाव को लेकर पहले से रंजिश बनी हुई थी। इस बात को लेकर पहले तो ग्राम के कमल कुमार पुत्र ऋषिपाल और किशोरी लाल रक्षपाल में सुबह करीब 11 बजे बच्चों को लेकर आपस में झगड़ा हुआ, जिसमें लाठी डंडे चले और रक्षपाल व किशोरी लाल अपने पक्ष में, जिसमें से कमल कुमार, गंगा शरण, मूलचंद, अरविंद पुत्र राजमर के खिलाफ थाने में सूचना दी, जिस पर मौके पर पुलिस ने पहुंचकर मौका मुआयना किया और उसके बाद रात्रि करीब 9 बजे फिर झगड़ा हुआ, जिसमें किशोरी लाल पुत्र बलवारी लाल, रक्षपाल पुत्र ऋषिपाल, अंकित पुत्र विनोद, धर्मेंद्र पुत्र विनोद व विनोद पुत्र रामकुमार तथा दूसरे पक्ष से राजकुमार पुत्र श्रीराम, अरविंद पुत्र राजकुमार, विजेंद्र पुत्र श्रीराम, पुष्पेंद्र पुत्र राजकुमार, सागर पुत्र पुष्पेंद्र, गंगा शरण पुत्र सियाराम आदि लोगों के चोटें आईं। झगड़े के समय मौके पर पुलिस ने पहुंचकर सभी को उपचार हेतु मेलपी जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उनका उपचार अभी भी चल रहा है। दोनों पक्षों ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम प्रधान की रंजिश को लेकर यह विवाद चला रहा है। इस बात की जानकारी जब ओमवीर और पप्पू यादव वर्तमान प्रधान से ली तो वर्तमान प्रधान ओमवीर पप्पू ने बताया कि इस झगड़े का ग्राम की प्रधानी से कोई लेना देना नहीं है, न ही किसी प्रकार की ग्राम से संबंधित झगड़ा हुआ है, आपस में और साफ साफ झगड़ा हुआ है। उन्होंने बताया कि प्रधान ने साफ साफ बताते हुए भी कहा कि ये झगड़ा केवल आपसी विवाद है, क्योंकि शराब पीकर आपस में झगड़ा किया गया है। इसके अलावा ना कोई पुरानी रंजिश है और इस पूरे मामले की जानकारी को लेकर पुलिस प्रशासन दोनों पक्षों की बात सुनकर जांच में जुट गई है। आइए पूरा मामला क्या है बताते हैं और दिखाते हैं आपको। ग्राम में जो झगड़ा हुआ है, प्रधान जी किस तरीके से झगड़ा, क्या झगड़ा है, क्या प्रधानी रंजित है क्या? ये कोई रंजित नहीं है साहब, हमारी कोई रंजित नहीं है, ना किसी से रंजित नहीं है। ये लोग तो शराब पीते हैं शाम को और पी के झगड़ा काम काम झगड़ा करते हैं। झगड़ा का कोई रूप ही नहीं है इसमें, कोई नेक्स्ट थोड़ी सी बात ले ली उसी को लेके झगड़ा करने लगते, हमारी किसी से रंजित नहीं। अच्छा, बता रहे दोनों पक्षों में कि रंजिश का मामला है। कोई रंजिश है नहीं हमारी, किसी प्रधान किसी जो भी लड़े हैं हमारे किसी से नहीं कोई बात विवाद। क्या नाम है आपका? ओमवीर सिंह। किस गांव से हैं? बिलसड़ा से। झगड़ा कौन कौन से पक्षों में हुआ? झगड़ा वो आपस में ही है बात, हम लोग धोबी लोग। अच्छा, हो गई थी सुना था, हम तो परे सो ही रहे थे। किसने मारा? हमें तो वहाँ सबई ने चिपट पड़े, हमने पहचान नहीं आया बाबू ने मारा। किस गांव के निवासी हो? बिनसड़ा के। तो कौन कौन लोगों ने मारा? अरविंद थे, पुष्पेंद्र थे, राजकुमार थे, प्रदीप थे, सुरजीत थे, सतीश थे, गंगा शरण थे। दादा कोई पुरानी रंजिश है? कोई पुरानी रंजिश ना है भाई। तो क्या कारण रहा जो इतना मारा? वो भाई हम भतीजो हमारा जो है वोटिंग वाली रंजिश है। अच्छा, चुनाव का रंजिश चला आ रहा? इससे पहले भी झगड़ा हुआ कभी? ना, ना, कभी नहीं। इनके खाते से रुपया रुपया निकाल ले, बिरने एक दिन मांगे किताब, मांगी किताब। किताब किसकी? हमारी। तो तुम्हारे पैसे किस बात के उनके पास? उनकी बैंक है। अच्छा, कितने पैसे निकाल लिए? 1.5 लाख रुपया थे। 40-45 हज़ार रुपया। कितने पैसे थे? आपका क्या नाम है? किशोरी लाल। जो है मेरे दाऊ जो है मेरे भैया ने गाड़ी आ रही थी सुबह टाइम, तो हमने इंजन आ के एप्लीकेशन दी, फिर इंजन तो जो है फुर्स गो। इन्हें की कह इनके बाबा की पट्टी नहीं करा के लाऊ, उन्हें साहब लिख रहे हैं बाइक द्वारे में बाइक पे भाई मेरे भैया में लड़ाए थे और जो मैं लिखते सो कर आए लोग। अच्छा, किसने मारा? अरविंद राजकुमार, पुष्पेंद्र, ओम शरण, गंगा शरण, प्रदीप, सुरजीत। किस बात पे झगड़ा हो गया? कोई बात ही नहीं थी, कोई बात ही नहीं थी मेरे भैया में इन्हें पिटवाऊं। अच्छा, कोई झगड़ा कारण नहीं है? कोई मेरे भैया उन्हें शराब पिवा के पिटवाऊं, इन्हें मारो पीटो, तो इनकी जो हमने हेल्प करी ताके बाद बिन्ने उठा मेरे भैया की हेल्प करी, मुझे सब कुछ डालो। कोई पुरानी रंजिश है? पहले भी कभी झगड़ा? पुरानी कोई रंजिश नहीं। तुम्हारा क्या नाम है? रक्षपाल। और कई लोग घायल हैं? पांच जने। क्या नाम है? रक्षपाल। सबका क्या नाम है? विनोद, सचिन, किशोरी लाल, अंकित। क्या है?
महोदय, मेरा नाम देवेंद्र कुमार है। दिन में हमारे जो मंझले बाबा थे उनका विवाद उनके ही छोटे भाई कमल के साथ हुआ था। जो कमल ने अब अरविंद, राजकुमार, विजेंदर, सुरजीत, प्रदीप, मूलचंद इनके लोगों के कहने से उनके बड़े बूढ़े जो बुजुर्ग थे उनके पत्थर मार के उन्हें घायल कर दिया। जब पुलिस मुआयना करने गई तो पुलिस वालों ने कहा कि ऐसा करो कि इनका उनकी पट्टी करवाओ। तो मेरा छोटा भाई अंकित उनकी जब पट्टी करवाने गया तो रास्ते में अरविंद, राजकुमार और सुरजीत, सतीश, प्रदीप, राहुल, मयंक, गंगाशरण, नेम सिंह, गजेंद्र और विजेंद्र सिंह ने उसको रास्ते में घेर के पूरी तरीके से मारा पीटा और घर में बंद कर लिया। जब पुलिस पहुंची तो उसको छोड़ा गया और मेरे सारे भाइयों को मार मार के उसके सिर फोड़ दिए गए। महोदय से निवेदन है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर इनको जेल भेजा जाए। तुम्हारा क्या नाम है? देवेंद्र। बताओ क्या बात हो। शाम करीब 8:30 बजे हम अपने वीवर साय के बाहर बैठे थे। बाहर बैठ के पापा नहा के पूजा करने लगे। पूजा करने पे गांव कुछ लोग आए गए, मारा तुरी चालू कर दी, बुरी तरीके से मेरे पिताजी को घायल कर दो, घर में अंदर घुस गए। एक तो हमने पुलिस को अपने घर से निकाल के पुलिस को ही सौंपू, लाठी डंडा तलवार सब कुछ, रेफरेंस फायरें करी, बहुत बुरी तरीके से मारपीट करी। सब पूरा बिखरा पड़ा, देखो सब सब नीचे पड़ी हैं चारों तरफ मकान पर, सब तोड़ा फाड़ी करी। बहुत दबंग लोग था, पूरा गाँव इनसे परेशान है, पूरा गाँव इनके कोई कहने को तैयार ही नहीं है। कौन लोग हैं ये? रचपाल दिवाकर है, रचपाल अब विनोद और अब वो सचिन देवेंद्र, मतलब 8-10 लोग 20 लोग थे लगभग, लेकिन 8-10 लोग ये मारा तुरी में थे। पीछे सब मका काम भाग के तुरंत निकली, जैसे ही पुलिस, हमने पुलिस को सूचना करी तो एकदम जी निकल निकल के बाहर भागी सब। बहुत ज़्यादा अब संगीन अपराध करने के तैयार हैं साहब, और मेरी जान को हूँ खतरा है। घर से हम 500 मीटर दूर मकान जाएगी बनाओ, हम सब तसली से शांति से रहें, लेकिन तब भी बहन अकेले पाए बनने देगी, सब घर के इनके कोई नहीं है, तब मौका देखते बनने साहब हमला करेंगे। वजह क्या है झगड़े की? वजह कुछ नहीं साहब, वजह मेरी इनसे कोई बात नहीं, इनके भाई ने सवेरे झगड़ा हुआ, झगड़ा में इनकी खुपड़ी उपड़ी फटी। हम सुबह निकली अपने ऑफिस, ऑफिस से जब पता चली कि मेरे नाम रिपोर्ट कराया जी, तो हमने थोड़ा संपर्क बनाओ तो पता चली कि हमारे नाम मतलब रिपोर्ट इन्हें करी। हमने इनसे जो ना पूछी कायल करी, कहा करो कहा नहीं करो कोई मतलब नहीं। तो भेजे कहा कि मेरे भाई उनको एक भाई मेरे पास कबू कबू आए बैठ गया थी, तो भेजे सोचे जिस शिकायत पड़ा तो हमारे इनसे कोई मतलब नहीं उससे। तो अब क्या लोग घायल हैं आपके यहाँ? 4 लोग। क्या क्या नाम उनका? विजेंद्र सिंह चाचा है हमारे, अरविंद हमारे पुत्र, पुष्पेंद्र मेरा भाई है, राजकुमार मेरे पिताजी हैं, एक गंगाशरण और हैं, उनके वो छात्र मिलाते हैं तुम्हारी बीच बिछाऊ कर देंगे। किस गाँव के निवासी हो? बेलसड़ा गाँव।